हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिर्चल इंडस्ट्रीज ऑलराउंडर में। और मैं आपके लिए डुप्लेक्स विला लाया हूँ, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। आप लोग मांग रहे थे मुझसे, कई व्यूअर मांग रहे थे पार्क के साथ की, जहाँ पे पार्क हो। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पार्क है, ट्रिटी का ये प्रोजेक्ट है, सेक्टर 10 नोएडा एक्सटेंशन में है। मैं आज ही यहाँ आया हूँ, तो मैंने सोचा इमीडिएट इसको कवर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कई इन्फॉर्मेशन मेरे ही व्यूअर्स मुझे बता रहे थे इसके लिए। तो कह रहे थे सर एक बार आप चेक कर लो जाकर। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने हेड ऑफिस गया, इन्फॉर्मेशन ली और उनको साथ ही दिया यहाँ पर। और अभी यहाँ पर मैं उन मैप के साथ पूरा डिस्कशन भी करने वाला हूँ, वो पूरा डुप्लेक्स वाला दिखाने वाला हूँ, पोजेशन का होगा, दिखता कैसा है, क्या नहीं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिल जाएगी। बेस नहीं करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। कैसे हो आप? हेलो सर, मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? भाई पुरजे पूरे मैडम, आप फिर काम की बात करते हैं। मैडम मुझे बताओ, आपके यहाँ के डुप्लेक्स विला का पहले प्रोजेक्ट का नाम बताओ और उसकी लोकेशन बताओ। तो प्रोजेक्ट नेम रहेगा हमारा ट्रिनिटी प्राइमर्स, और ठीक है, लोकेशन रहेगी नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10। नोड लोकेशन है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 10। इससे पहले आपने कौन कौन से डिलीवर प्रोजेक्ट किए सर, हैं? इससे पहले हमने जो मिला का प्रोजेक्ट डिलीवर किए, दो प्रोजेक्ट डिलीवर किए, एक ट्रिनिटी ट्राइबल के नाम से, एक ट्रिनिटी अर्बन विलेज के नाम से, जो कि लैंड करते हैं सैनी सोनपुरा में, ठीक एक है, खेड़ी गांव में। अच्छा वहां आप कर चुके हैं जी डिलीवर सर, और अब इस पर आए हैं। हाँ जी। तो अगर इसकी बात करें हम मोटी मोटी, तो यहां पर कितने विला बन रहे हैं आपके? तो यहाँ पे नंबर ऑफ विला की बात करूँ तो 62 विला है हमारे। 62 विला है। मैंने वैसे ये गेट बंद किया हुआ था दोस्तों, क्योंकि बाहर ना जनरेटर चल रहा था, साउंड का इशू होता है, फिर मैं थोड़ा बाहर से दिखा रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। ये देखो ये एंट्री है एक तरह की, इसका व्यू मैं अलग से बाहर से दिखा दूंगा, अभी मैं गेट बंद कर रहा हूँ। तो इसके मैडम साइज की बात करें, जिसमें हम खड़े हैं इसका साइज क्या है? सर, ये 70 गज का रहेगा हाँ एंड वो डुप्लेक्स है बेसिकली, और 17 70 स्क्वायर फीट। 1755 स्क्वायर फीट का जी है ये। तो जैसे मैं देख रहा हूँ, ये हमारा ड्राइंग डाइनिंग है पूरा एरिया। तो हमें यहाँ पर पहले मुझे समझना, क्योंकि ये सैंपल है, तो सैंपल में और जो एक्चुअल मिलता है उसमें थोड़ा डिफर होता है। राइट तो मुझे आप ये बताइए कि हमें यहाँ पर क्या-क्या मिलेगा? सर, जो हम विला दे रहे हैं वो सैमी फर्निश दे रहे हैं। ठीक है, सैमी हाँ फर्निश के अंदर आपका मॉड्यूलर किचन होगा, पाइप, फेंस, अच्छा, हाँ, आपको वुडन वर्क। ये पैनल टीवी पैनल ये मिलेगा? ये तीन के पैनल नहीं मिलेंगे आपको। ओके नो प्रॉब्लम। ये किचन है हमारी, हाँ जी, किचन में हम आपको चिमनी भी लगा के दे रहे हैं। ये आपका ये रहेगा पूरा वुडन वर्क। मॉडलर, हाँ हाँ, वुडन ये वर्क। आपकी ये नहीं रहेगा। अच्छा ये नहीं हाँ रहेगा, जी, हाँ जी, ठीक है। और इसमें ये, ये नीचे वाला रहेगा, ऊपर वाला नहीं ये रहेगा। स्पेस है, ऊपर वाला ऊपर स्पेस वाला नहीं है। नहीं, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद इधर आते हैं। अच्छा यहां पर एक रूम है, ये मैम कितने बाई कितने का रूम है? ये ये सर 12x11.7 का है। कबर्ड मिलेगी? कवर देंगे सर 1 करोड़, खबर आप दोगे? एज पर चॉइस किसी भी रूम में ले सकते हैं आप। ओके, ये क्या शाफ्ट एरिया है? साफ, अच्छा ये शाफ्ट एरिया, सीलिंग और लाइट वगैरह हमें इस तरह हाँ का डिजाइन सीलिंग, मिलेगा? वॉल सीलिंग इस तरीके की रहेगी, लाइट्स पहले ये सारी की रहेगी। ये वॉशरूम? हाँ जी, ओके, ये वॉशरूम तो बड़ा सुंदर बनाया हुआ है। ओके ठीक है मैम, ऊपर चलते हैं। ओके अच्छा, ग्लास वर्क किया हुआ है यहाँ पर। हाँ अच्छा जी, ये इस तरीके का ग्लास वर्क हम देंगे। यहाँ भी हाँ जी, स्पेस है, ये एक छोटा सा लॉबी कह लो या कुछ कह लो। ओके सीलिंग यहाँ पर भी ऐसे ही मिलेगी? सर ऊपर देंगे, ये वाला नहीं ये रहेगा। नहीं रहेगा। ये मास्टर बेडरूम है? हाँ जी, ये मास्टर बेडरूम है। ओके काफी अच्छा बना हुआ है, गुड, वेरी गुड। इसमें मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, वार्डरोब एक्सपेक्ट कर सकता हूं? वहां से वार्डरोब एक ही देंगे, किसी भी रूम में ले सकते अच्छा हैं। किसी भी रूम में एक आप एक दे सकते एक हैं। उसके बाद यहाँ वॉशरूम, ओके वॉशरूम की फिटिंग इस तरीके की रहेगी, जो आपका टफन ग्लास लगा ये नहीं देगी, बाकी मिरर भी देगी, अच्छा वॉशरूम एक्सेसरी ये वाली ही, ये भी नहीं रहेगी सर। अच्छा ओके बाकी ये वाला डोर इस तरीके का ही अच्छा देंगे। ये गैलरी आप दे रहे हैं यहाँ पर? हाँ विड्थ तो है अच्छी इसकी। ओके अब उस रूम में चलते हैं। ओके एक रूम ये है और इसका वॉशरूम भी है, इसमें भी वही रॉ वाला कॉन्सेप्ट होगा। ओके फिटिंग्स वॉशरूम फिटिंग्स तो दे रहे हैं सर, फिटिंग्स आप दे रहे हो, बाकी दे आप मतलब रहे जो एक्स्ट्रा एसेसरीज है वो नहीं है। हैं। तो अगर मैम इस पे मैं मोटी मोटी बात करूं कि लोन हो जाएगा? हाँ जी, लोन है प्रॉपर, और रजिस्ट्री वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम की नहीं सारी नहीं कोई दिक्कत? प्रॉब्लम नहीं सर। स्ट्रीम ठीक है, उन्होंने जरा ऊपर चलते हैं हम छत पे भी।
अच्छा तो भी देख लेते हैं इसके, यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है। कुछ स्टोरेज ठीक है, हाँ के कुछ स्टोरेज कर लो जी। अरे वाह, अच्छा तो बहुत अच्छी। ये प्लस पॉइंट है आपका जो हाँ ये आपने दिया है इसी मौसम में असली मौसम में बेनिफिट। ओके ठीक कुछ एक्स्ट्रा चीज रख सकते हैं और है मैम, तो ये तो हो गया एक पॉइंट। तो अब मुझे मैम ये बताइए आप कि ये प्रोजेक्ट कब तक आप डिलीवर कर देंगे? हाँ सर इसको हम दो फेज में बना रहे हैं बेसिकली। जो फर्स्ट फेज हम डिलीवर करेंगे दिसंबर तक कर रहे हैं। दिसंबर। पार्क वगैरह आप दे रहे हैं इसमें? हाँ जी पार्क रहेगा सर इसमें। दोस्तों एक्चुअली मैं ना अभी ज्यादा नीचे गया नहीं, क्योंकि आप जानते हो 3 दिन से बारिश हो रही है, नीचे तक कीचड़ पूरा। सड़कें कितनी चौड़ी है मैडम यहाँ पर? सर इंटरनल जो रोड है हमारी 28 फुट की रहेगी। ओके इंटरनल 28 फीट की रोड है, ये 28 फीट की रोड है दोस्तों, लंबा है। और यहाँ दो पार्क है, दो पार्क है ना, हाँ जी दो पार्क दो पार्क भी है यहाँ पर। और सर बाहर पूरी ऑलरेडी मार्केट है, मैं भी बाहर से आया हूँ, प्रॉपर रोड थी और मार्केट। और ये देखो सामने बसा हुआ है, सारे लोग रह रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक है मैडम, आपने जो इन्फॉर्मेशन दे दी है ओके है, लेकिन मैं फॉलो वीडियोस इस पर बनाता रहूंगा और फिर देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन आती है। श्योर सर थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।